हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया फंसी हुई नजर आ रही है, जो हमने वॉल पर भी लिखा है कि बेंगलुरु में फंसी टीम इंडिया, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की, एक अच्छा स्कोर लगाया, मगर जो 100-150 रन जो और लगाने थे वो स्कोर बोर्ड पर टीम इंडिया नहीं लगा सकी। नतीजतन 107 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने है टेस्ट मैच जीतने के लिए, और टीम इंडिया को 10 विकेट चाहिए अगर उनको ये टेस्ट मैच जीतना है। या दूसरा प्रपोजिशन ये है कि बारिश जो है वो इस टेस्ट मैच को और इंटरेस्टिंग जो है वो बना सकती है, टीम इंडिया का फायदा जो है वो करवा सकती है। किस तरीके से पैन आउट हुआ डे 4, सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स अपडेट दिखाते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तो आ गया जी स्पोर्ट्स अपडेट आपके स्क्रीन पर। बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 462 रन बनाए। पहली पारी में 46 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई थी, मगर दूसरी पारी में 462 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए, मगर उसके बावजूद टीम इंडिया न्यूजीलैंड को सिर्फ 107 रनों का लक्ष्य दे पाई। 100-150 रन जो है वो कम रह गए, मतलब बीच में जो है लास्ट के मिडिल के चार विकेट जो है वो 33 रनों के अंदर गिरे, जिसके बाद जो है मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया और फिर जो है ट्रैक पर गाड़ी लौट ही नहीं सकी। केएल राहुल ने 12 और जडेजा 5 रन बनाकर आउट हो गए। इन दोनों में से किसी एक को बड़ी पारी खेलनी थी, अश्विन को साथ देना था, तब जाकर बात बनती, मगर वो बात नहीं बनी। सरफराज ने 150 और पंत ने 99 रनों की पारी खेली, वो शतक से चूक गए। खराब रोशनी और बारिश के कारण जो है दिन का खेल जल्दी खत्म करना पड़ा। पहले बैड लाइट हुई, उसके बाद एक थंडर स्टॉर्म सा आया, जिसके बाद जो है स्टंप्स को है वो कॉल ऑफ कर दिए गए कि बुला लिया गया, भाई स्टंप्स हो गए हैं, चौथे दिन अब यहां पर खेल नहीं हो सकता। तो एक दिन का खेल बाकी है, 107 रन न्यूजीलैंड को चाहिए जीत के लिए, 10 विकेट इंडिया को चाहिए और साथ में बारिश की संभावना बनी हुई है। सारे चीजें देखते हुए दिपेश, एक चीज तो है बैकफुट पर या फिर मुश्किल में या फंसी हुई टीम इंडिया ही नजर आती है। बिल्कुल सही बात है। अभी टीम इंडिया अगर अब बारिश जो जितना भी फायदा करेगी ना वो टीम इंडिया का ही करेगी। Exactly, मैं ये मानता हूँ कि अब फंस चुकी है टीम इंडिया। वो जो काम सरफराज और ऋषभ पंत ने किया था, उस पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने, बिल्कुल सिरे से एकदम। जो काम उनको करना था वहां से उनको एक अच्छी पारी खेलनी थी, कंटिन्यू करना था उस इनिंग को, एक अच्छा स्कोर लगाना था, कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 40-40 रन तो एटलीस्ट बनाने थे, ताकि टीम इंडिया 200 तक पहुंच जाए लीड अपनी। तेजी से ना भी बनाते तो भी चलता, आराम से खेल लेते, कोई दिक्कत, कम से कम हार की सिचुएशन नहीं बनती। ये 12 रन बनाकर आप 16, अब टीम के सबसे सीनियर बल्लेबाज है, नहीं भाई केएल राहुल सच में मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग आज तो, जिस तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि आपने मेहनत खराब करी है दो बल्लेबाजों की, एक 99 रन बना के आउट हुआ, दूसरा 150 करके आउट हुआ, अब उन पारियों का कोई मतलब नहीं है और टीम इंडिया उसी दरवाजे पे अभी भी है, तब भी पहले भी हार रही थी, अभी भी हार रही है, अब उनके इतने रनों का मतलब क्या है जब केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से मैच को खराब किया है पूर्ण रूप से, एकदम 15 गेंदों पर 5 रन, इतना रैश शॉट खेल के आउट हुए। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को आप ऐसी सिचुएशन में ऐसा शॉट खेलते देखेंगे नहीं, लेकिन रविंद्र जडेजा को आज देखा गया, वहीं से मैच फंस गया। गेंदबाजों से ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते, 100 से ऊपर ले गए लीड को कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन, वही बहुत बड़ी बात है, वरना हम ये टेस्ट मैच बहुत जल्दी हार जाते हैं। अब जो कुछ है बारिश है भाई, मैच तो हमारे लिए फंस चुका है पूरी तरीके से। बिल्कुल जी, लोअर मिडिल ऑर्डर जो है ना उसने कहीं ना कहीं निराश कर दिया, नहीं तो टॉप ऑर्डर ने जो है वो गेम बना दिया था। ठीक है, जिस तरीके से सरफराज खान ने पारी खेली, जिस तरीके से ऋषभ पंत ने पारी खेली, जो विराट कोहली के साथ साझेदारी बनी, गेम बन गया था, बस यहाँ मेहनत तो खराब कर दी ना, सबकी मेहनत जो है वो एक तरीके से खराब हो गई। अब होता क्या है ना, केएल राहुल के हमने आपको स्टैट्स दिखाए, अभी बांग्लादेश के खिलाफ 68 रन बनाए हुए हैं, ये तो ये नहीं है कि रन ही ना बना रहे हो, मगर ये कि हाँ ये जरूरत पड़ने पर अपने होम ग्राउंड पर 40-50 रन ऐड करते ना, मतलब कि बहुत फर्क डालता। एक फाइटिंग सिचुएशन में इंडियन टीम होती, बॉलर्स के पास कुछ कुशन होता गेंदबाजी करने के लिए, वो ये जनाब नहीं कर पाए, वो मुश्किल की स्थिति है। रविंद्र जडेजा जैसे आपने बयां कर ही दिया कि रैश शॉट खेलकर वो चलते बने, आखिर में अश्विन पर बात आ गई, आप उन पर कितनी बात डालोगे और कुलदीप और उन सब के ऊपर। ओवरकास्ट कंडीशंस थी, नई बॉल जैसे ही मिली उसके बाद जो है न्यूजीलैंड चढ़ बैठा। और होता यही है, जब आप 46 पे ऑल आउट हुए होते हो ना एक पारी में, तो उसके बाद आपका वो आधा घंटा, वो एक घंटा कहीं खराब पड़ जाए, आप मुश्किल सिचुएशन में खड़े हो जाते हो। लेकिन यहाँ तो टेस्ट मैच पूर्ण रूप से बन चुका था भाई, मेनली आपको 200 की लीड करनी थी बस, 100 रन और जोड़ने, कितना आसान काम था। उसी ग्राउंड पे खेलते खेलते पूरा बचपन निकल गया। केएल राहुल ने इतना खराब तरीके से अपने विकेट को गवाया, मतलब ये उम्मीद नहीं थी यहाँ तो। अब एक बात बताऊं, 70 रन कोहली के कोई मतलब नहीं, 99 ऋषभ पंत का कोई मतलब, 150 वो बेकार, मतलब इतना लंबा खेला भी, इतना बड़ा स्कोर लगाया भी, अब उसका मतलब क्या? हार तो पहली भी रही थी, हार अब भी जाएंगे, 100 रन नहीं बचा पाएंगे सर, बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है। देखिए इसके अंदर ना खेल ये हो सकता है कि अगर बारिश ज्यादा देर हो जाए तो उसके बाद फिर कम ओवर 100 रन 10 विकेट, फिर मामला थोड़ा फंस सकता है, फिर आप ड्रॉ के लिए जा सकते हो,
कम से कम ये हो सकता है, और अगर न्यूजीलैंड खेल जीतने के लिए जाए तो प्रोबेबली हो सकता है विकेट लूज कर जाए, ठीक है। ये कहानी जो है वो सेट हो सकती है। 107 यार बहुत, फिर भी 107 जो है ना वो मतलब बहुत छोटा टोटल है, उसके अंदर कुछ ज्यादा जो है बचता यहाँ पर नहीं है। चलिए जी आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं कि टीम इंडिया को जब जब जो है पहली पारी के आधार पर 350+ का डेफिसिट मिला है ना तो हुआ क्या है, इतिहास क्या कहता है। पहली पारी के आधार पर सबसे बड़ी बढ़त भारत में टीम इंडिया के खिलाफ जब जब विरोधियों ने हासिल की, नतीजा क्या हुआ, ये कहिए। 490, 418 और 380 रन की बढ़त जो है ना वो हासिल हुई थी, और इन पहले तीनों मैचेस के अंदर टीम इंडिया को हार मिली थी। अब ये 356 वाला मैच जो है ये चल रहा है बेंगलुरु में, और एक बार फिर 356 वाला मैच हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुंबई में 1948 में, वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था मुंबई में, ठीक है। तो यहाँ पर टीम इंडिया अब जिस सिचुएशन में आ गई है ना, मुझे लग रहा है कि अब जीत से ज्यादा ना अब ड्रॉ भी मिल जाए तो नसीब मानेंगे कि चलो ठीक है, उसमें भी बारिश की साझेदारी बड़ी होगी, उसमें भी बारिश की आपको मदद चाहिए होगी, इंद्र देवता की मदद चाहिए होगी, नहीं तो वो चीजें जो है लगती हुई नजर नहीं आ रही। वैसे रोहित शर्मा काफी निराश थे जब थोड़ा सा बैड लाइट के कारण जल्दी खेल खत्म किया गया, हालांकि उसके बाद बारिश ही आ गई, फर्क कुछ पड़ना नहीं था, ठीक है। मगर वो चाहते थे कि एक आधा ओवर और मिल जाए, ओवरकास्ट कंडीशन थी, बुमराह की गेंद घूम रही थी, एक ओवर और मिलता चांस भी बचा था, ठीक है। बस एक आधा अगर विकेट मिल जाता तो टीम इंडिया भी चैन की नींद सोती, कुछ उम्मीद से जाती कि भैया चलो पांचवें दिन जो है हमारे पास कोई यहां पर चांस रहेगा। मगर फिर भी जब तक लास्ट बॉल नहीं हो जाती, इट्स नॉट डन टिल इट्स डन, यही क्रिकेट में कहा जाता है, और कोशिश जो है वो जरूर की जाएगी, मगर मुश्किल सिचुएशन में इंडियन टीम जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। अब इससे पहले कि हम उन हीरोज पे आए जिन्होंने हीरोइक्स तो किए, मगर वो हीरोइक्स सब काम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे उन पर बात करें, इससे पहले ये बात कर लेते कि भाई अगर ये टेस्ट मैच हार गई टीम इंडिया तो होगा क्या, मुश्किल हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये डब्ल्यूटीसी का पार्ट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट है, आप पॉइंट्स लूज कर दोगे। न्यूजीलैंड जो है दो टेस्ट मैच जीता है सिर्फ भारत में अभी तक, 37 खेल चुका है, तो ये तीसरा जीतने के चांसेस उनके बन रहे हैं। मगर टीम इंडिया को झटका क्या लगेगा, टीम इंडिया को झटका ये लगेगा कि इंक्लूडिंग दी बेंगलुरु टेस्ट, टीम इंडिया को 8 में से 5 टेस्ट मैच जीतने जरूरी है अगर आपको विदाउट इफ बट अगर या मगर के डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनानी है। तो बेंगलुरु टेस्ट हारे तो फिर इक्वेशन हो जाएगी कि अगले 7 में से 5 जीतो, उसमें होगा क्या कि भाई 2 तो आपको घरेलू जमीन पर ही खेलने हैं, चलो उसमें जीत मिल भी जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर आपको 3 जीतने पड़ेंगे जाके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, मतलब कि आपको 5 में से 3 जीतने पड़ेंगे, आपको सीरीज जीतनी पड़ेगी, वो एक मैसिव प्रेशर होगा इंडियन टीम के ऊपर अगर आपको विदाउट इफ एंड बट जाना है। 2 जीत के भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है दूसरी टीमें क्या कर रही हैं, मगर अगर विदाउट इफ एंड बट जाना है तो ये सिचुएशन जो है वो बन जाएगी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत पर दबाव आ जाएगा। डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल में अभी सिनारियो ये है कि टीम इंडिया 74.24% के साथ जो है टॉप पर बनी हुई है, मगर ये सिचुएशन खराब है। इस सिचुएशन को बेहतर थोड़ा सा इस लिहाज से हो सकती है अगर टीम इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ करा दे। हाँ मतलब वो 46 रन बहुत भारी पड़ गए जो पहली बारी में आए थे, उसकी वजह से हम बहुत एक तो वो और अब जो आपने तीसरे सेशन में नई गेंद के बाद फटाफट बैक टू बैक गुच्छों में विकेट गवाए, ये मतलब एक थोड़ा खेलना था, थोड़ा नहीं कम से कम इतना तो खेलना था कि 200 रन का जो टोटल है वो इस तरीके से बन जाए, बट हम वहां चूक गए, हम वहां कहीं ना कहीं फेल हो गए, और उसकी वजह से टीम इंडिया को एक बड़ा नुकसान इस टेस्ट मैच में। अब हार ही मतलब पॉसिबल है, वैसे तो चलो जी क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी होता है दिन, लेकिन फिर भी एक इतना तो शॉर्ट ही है कि न्यूजीलैंड की टीम 107 रन तो बना लेगी चाहे विकेट कैसा भी है, उनको वैसे भी ओवरकास्ट कंडीशंस में खेलना आता है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की भी है पहले भी, 400+ रन पहली पारी में भी लगाए थे, तो यहां से वो आधा घंटा बस पहले दिन का आधा घंटा जिसमें हमारे बल्लेबाज लगातार हमारा टॉप ऑर्डर फेल हुआ था, और ये जब अब चौथे दिन का जो आधा घंटा है ना वो इतना भारी हमारे ऊपर पड़ गया कि 2 बल्लेबाज जो हमारे इतने शानदार खेले थे इंक्लूडिंग विराट कोहली जो तीसरे बल्लेबाज थे जिन्होंने 70+ रन बनाए थे, अच्छा खेलने के बावजूद सब कुछ था हमारे पास, रन्स थे, सिर्फ एक फिनिशिंग टच की और एक स्टार्टिंग की कमी थी, फिनिशिंग टच ही नहीं मिल पाया। मिडिल ऑफ द स्टोरी मतलब हमारी इस टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी थी, मिडिल स्टोरी जो थी बल्लेबाजों ने मिलकर बनाई थी, लेकिन जितना था वो एक जो फिनिशिंग टच अपनी स्टोरी में देना था एक ऐतिहासिक जीत के लिए, उसमें KL राहुल और रविंद्र जडेजा ने बिल्कुल काम खराब कर दिया, मट्टी पलीत कर दी, और उसकी वजह से अब हमारी टीम हार की कगार पे खड़ी हुई है, एक जीता हुआ टेस्ट मैच। बिल्कुल जी, जो टेस्ट मैच बना दिया था आपने बड़ी मुश्किल से, उस टेस्ट मैच के अंदर जो है ना चीज़ें खराब हो गई। चलिए जी अब बात करते हैं सरफराज खान की, जिन्होंने बड़ा कमाल किया जी, बड़ा शतक लगाया, बड़ा खिलाड़ी नजर आता है और बार बार जो है ना उस चीज को, उस परसेप्शन को स्टैंप करता हुआ चले जा रहा है। सरफराज खान ने किस तरीके की पारी खेली, सलाम रहेगा उनको, नतीजा जो भी निकले सरफराज खान को सलाम जरूर रहेगा जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है। सरफराज खान ने एक 195 बॉल्स में 150 रनों की पारी खेली। टेस्ट क्रिकेट में सरफराज खान का यह पहला टेस्ट शतक,
एक ही टेस्ट में जीरो और शतक बनाने वाले नौवे भारतीय वो बन गए हैं। मतलब एक ही टेस्ट मैच में जीरो भी बनाया और शतक भी बना दिया और बड़ा शतक बनाया जी। पहले विराट और फिर पंत के साथ 100+ रनों की साझेदारी भी की उन्होंने। शुभमन के अनफिट होने के कारण याद रहे कि उन्हें बेंगलुरु टेस्ट में जगह मिली थी, नहीं तो जगह मिलती नहीं प्लेइंग 11 के अंदर। ठीक है, तो ये है जी सरफराज खान, जिनको जगह मिलती है तो वो मौके पे चौका लगाते हैं। 110 गेंदों पर उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। फर्स्ट क्लास करियर की बात करें तो अभी तक जो है वो 16वां शतक जो है फर्स्ट क्लास में ये लगा चुके हैं। मगर कमाल की पारी, इंस्पायरिंग पारी। अगर टीम इंडिया को उम्मीद मिली इस टेस्ट मैच में, अगर टीम इंडिया किसी तरीके से इस टेस्ट मैच में वापसी कर पाई तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीपेश सरफराज खान। बिल्कुल, सरफराज खान और ऋषभ पंत दोनों ही खिलाड़ियों ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी करी थी। ऋषभ पंत थोड़े अनलकी रहे कि 99 रन पे आउट हो गए, लेकिन सरफराज ने तो भाई जितनी दिलेरी से बंदा खेला है, मतलब 150 रन कर दिए अकेले ही। हार हो चाहे जीत हो, कल को टेस्ट मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सरफराज खान ने बिल्कुल दिखाया वो जज्बा। कहीं ना कहीं इंडियन टीम को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए सरफराज खान की उस इनिंग के लिए, जिसने इस टेस्ट मैच को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। दो दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ बल्लेबाजी करने के बाद अब आपको अगर ये हासिल हो कि आपकी टीम के कुछ बल्लेबाजों ने, जो बहुत कॉल्ड नए गेंद के अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, श्रीमान केएल राहुल जी, उन्होंने इस लड़के की मेहनत पे ना कहीं ना कहीं पानी फेर दिया। सर, जितनी अच्छी बल्लेबाजी करी, मतलब आप चाहे स्पिनर्स को देख लीजिए, जिस तरह स्पिनर्स पे अटैक करते हैं एकदम चढ़ चढ़ के सरफराज खान, या फिर आप बात कर लीजिए पेसर्स को भी, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने खेला। थोड़ा उतने क्लासिकल नजर नहीं आते हैं, थोड़े अनऑर्थोडॉक्स नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रन स्कोर कर दे भाई, हम तो उसे बल्लेबाज मानते हैं। क्लासिकल तो केएल राहुल बहुत ने, लेकिन उन्होंने मामला खराब कर दिया इस टेस्ट मैच में। इस पूरी पारी का जितना भी ऑरा होना चाहिए था उसको थोड़ा सा काम कर दिया कहीं ना कहीं, अगर टीम इंडिया ये टेस्ट मैच हारती है। लेकिन रिजल्ट कुछ भी हो, बल्ले से इस खिलाड़ी ने बहुत दिल जीते हैं सर। 150 रन की पारी किसी भी अदर डे, और वो भी जब इतने प्रेशर में आप खेल रहे हो, मतलब 46 रन पे आपकी टीम पहले ऑल आउट हुई हो, पहली पारी में आप खुद जीरो पे आउट हुए हो, तो एक बड़ी पारी है ऑटोमेटिकली बन जाती है, और है सर बहुत बड़ी पारी है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी पारी है, बहुत बड़ी इनिंग्स है सरफराज खान के लिए पर्सनली। ये इनिंग्स जो है ना उनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का जो है काम जरूर करेगी। आपने केएल राहुल का भी नाम लिया, चलिए उस पर भी आते, मगर एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, सरफराज खान ने ना 16 फर्स्ट क्लास 100 बनाए इंक्लूडिंग दिस। उन 16 में से जो 11 हैं वो 150+ हैं, मतलब 150 तो ये हो गया, और 150 वाले हैं वो सारे, मतलब जब वो शतक बनाते तो लंबे बनाते हैं, शतक मतलब छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है। और ये एक निशानी होती है कि भाई आप लंबी रेस के घोड़े हो, ठीक है, और आप जो है लंबा खेल सकते हो, आप टीम को लंबा सर्व कर सकते हो। थोड़ा सा और फिटनेस पे काम, थोड़ा सा और भरोसा सेलेक्टर्स इन पे और दिखाएं, विदेशी जमीन पर भी अगर ये अपने आप को साबित कर देना, तो जो नाम आपने लिया केएल राहुल, उनके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी, फिर वो ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होंगे। और ये सरफराज खान ने साबित कर दिया अपनी इस इनिंग से। मैराथन इनिंग्स खेलने के लिए इस खिलाड़ी को आप मतलब जगह दे सकते हो। हाँ, आप तो भाई अब टेस्ट अब प्रूफ बहुत हद तक कर चुके हैं अभी, और रणजी में तो करते ही, रणजी में तो खैर करियर ही पूरा निकल गया रणजी में तो रन बनाते बनाते, लेकिन यहाँ भी जब से इंटरनेशनल में आए फेल अभी तक हुए नहीं है एक बार भी, और वो पैच अच्छा चल ही रहा है, पर्पल पैच सीधा रणजी से डोमेस्टिक से सीधा आपका आके खड़ा हो चुका है। ईरानी में 222 मार दिए थे एक ही मैच में, तो भाई वहाँ इनकी टीम जीत भी गई थी मुंबई की, इन्हीं की उस पारी की वजह से जीती थी, तो अभी तक तो बहुत अच्छा प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, और यही उम्मीद रहेगी कि कल को अगर बीजीटी में जाते हैं और खेलने का मौका मिलता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 टेस्ट मैचों की सीरीज, अगर वहाँ मौका मिलता है, अच्छी पेसी बाउंसी विकेट्स मिलती हैं, थोड़ा वहाँ अगर रन स्कोर कर देते हैं, तो फिर जैसे केएल राहुल ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सेंचुरी मार के अपनी जगह पक्की करी थी, वैसे एक टाइम पे सरफराज की भी जगह पक्की हो जाएगी। बिल्कुल जी, सरफराज भी अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। वैसे सिर्फ हम लोग ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं, सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है वो भी सरफराज के कायल हो गए। कुछ बोला उन्होंने सरफराज के बारे में, लिखा एक्चुअली दिखा देते क्या लिखा। सरफराज खान, ये आपके लिए टेस्ट करियर का पहला शतक बनाने का क्या शानदार अवसर था, जब भारत को इसकी सबसे अधिक ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम मौके पे काम आए हो, ठीक है, और ये अवसर जो था ना ये बड़ा अवसर था, और तुमने उस बड़े अवसर का फायदा उठाया। सचिन तेंदुलकर ये बोल रहे हैं, और बड़ा खिलाड़ी ऐसे ही बनता है। किंग कोहली किंग इसीलिए बने कि वो जरूरत पे काम आए, टीम को जिता कर लेके दे, मगर टेस्ट मैच है, एक खिलाड़ी अब सब कुछ नहीं कर सकता, मगर उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने किया। बड़ी बात यह कि सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज का भी दिल जीत लिया। बिल्कुल, दिग्गज का भी दिल जीत लिया, और हर किसी का दिल जीता भी है, हमारा भी। लगातार हम ये बात कह ही रहे हैं कि जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने करके दिए हैं, जिस तरह उन्होंने स्कोर किए हैं, उससे एक बात तय थी कि कहीं ना कहीं उनकी बात ज़्यादा होनी तय थी,
अब आने वाले समय में और ज्यादा सरफराज को लेके बोल उठेंगे कि भाई जो खिलाड़ी फेल ही नहीं हुआ उसे टीम से बाहर कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा अनलकी रहते हैं हर बार सिलेक्शन के मामले में, तो बहुत ज्यादा अनलकी रहते हैं कि जो स्टार प्लेयर्स हैं या फिर जो बहुत नामी प्लेयर्स हैं जिनके नाम के साथ टैग लगते हैं बड़े बड़े, कोई कोई प्रिंस होता है या फिर कोई भाई क्लासिकल किसी को कहा जाता है, किसी को कुछ कहा जाता है, उनकी जगह इनको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। अब सर इतने रन बनाने के बाद मैं चाहूंगा कि अगले टेस्ट मैच में एटलीस्ट टीम से ड्रॉप ना हो, चाहे कॉम्बिनेशन गंभीर और रोहित को मिलकर कुछ भी बिठाना पड़े, लेकिन सरफराज शुड बी इन द टीम। बिल्कुल, बांग्लादेश के खिलाफ आपने चुना ही नहीं, चुना ही नहीं, ठीक है, चुना भी टीम में तो फिर भगा दिया उनको। हाँ, मतलब उस तरीके से खेलने के लिए वो वहां भी डबल सेंचुरी करके आ गए, वहां पर भी 11 के अंदर जगह नहीं दी आपने, तो आप उनको इंतजार करवा रहे हो, मगर जो खिलाड़ी लगातार रन बना रहा है ना उसको कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू करनी चाहिए। अगर वो पर्पल पैच में चल रहा है तो आप ये भी सोचिए कि उसका भरपूर फायदा जो है कहीं लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए। चलिए जी, मुंबई के ही है अभिषेक नायर, ठीक है, अब टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं सहायक कोच, असिस्टेंट कोच के तौर पर जो है, उन्होंने कुछ बात बोली है सरफराज खान के ऊपर और बड़ी बात बोल गए जी वो। उन्होंने बोला कि भाई हम सरफराज को 100, 200 और 300 रन की पारियों से जोड़ते हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन के आखिर में वो जो है घरेलू सरफराज खान जो है वो विश्व क्रिकेट में धुरंधर बनेंगे और 13 शतक लगाएंगे। मतलब कि एक दिन वो 13 शतक लगाएंगे, ये एक तरीके से भविष्यवाणी या उम्मीद अभिषेक नायर को है सरफराज खान से, क्योंकि जिस तरीके की वो पारियां खेलते हैं, जिस तरीके के वो बल्लेबाज है, मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट से आते हैं जहां पे खड़ूस बल्लेबाजी की जाती है, टिक गए तो टिक गए, फिर उसके बाद जो है फिर दिन दिन काटते हैं वहां पर और फिर बड़ी बड़ी पारियां खेलते हैं। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, अच्छी बात है कि इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा मिल रहा है सरफराज खान को। बात ये नहीं है कि भाई मुंबई के लोग हैं, मुंबई का कलेश के टाइम पे टीम में नहीं है, हाँ मतलब कलेश के टाइम पे टीम में नहीं है, सपोर्ट सिस्टम पूरा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुंबई के लॉबी वहां पर स्ट्रांग है, इसलिए भी कि भाई अभी जो है ना ऐसे लोग हैं जो मौका देना चाहते हैं और विश्वास करते हैं उनके ऊपर, ये एक बड़ी बात है कि आपके ऊपर विश्वास जताया जा रहा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, अमोल मजूमदार टाइप्स जो डोमेस्टिक में अच्छा करते ही रह गए, मौके ही नहीं मिले, वसीम जाफर मौके भी मिले लेकिन वो उतने नहीं चले, बट डोमेस्टिक में हिट थे बिल्कुल भाई, ये तो सरफराज की बात है। हाँ, मतलब इसमें तो खैर वो अपने उस पैच को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कंटिन्यू करना और यहाँ भी उस ऑरे को मेंटेन करना कि हाँ मैं बड़ी सेंचुरी ही लगाऊंगा, 100 पे पहुंच गए तो 150 पे भी पहुंच गए, बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छा लड़े, मतलब और भी खिलाड़ियों से यही उम्मीद थी, लेकिन हैट्स ऑफ टू सरफराज खान, जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की बिल्कुल बहुत स्पेशल थी। बिल्कुल जी, और अगर आपको बैक किया जाता है ना तो फिर बात ही कुछ और होती है, ठीक है, अगर आपको लगातार बैक किया जाए ना तो फिर खिलाड़ी कुछ और ही निखर कर आता है, और अगर आप दबाव में हो कि भाई आपको कम बमुश्किल एक टेस्ट मैच में जगह मिली उसी में करो, नहीं तो करो, नहीं तो बाहर हो जाओ, तो फिर बात समझ नहीं आती। सरफराज को लगातार बैक किया जा रहा है, उम्र उनके साथ है अभी, ऐसा नहीं है कि भाई उम्र जो है वो उस तरीके की नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये सारी कहानियां हैं। वैसे जिस हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सरफराज के फादर साहब ने भी रोहित शर्मा को कहा था जब डेब्यू हुआ था, इसी साल तो डेब्यू हुआ है, ठीक है, कि भाई इसका ख्याल रखना, तो ख्याल तो रोहित शर्मा रख ही रहे हैं और सरफराज खान उन उम्मीदों पर खड़े उतर रहे हैं। बड़ी बात ये कि भाई आते हैं, अगर भरोसा जताया जाए नंबर 3-4 जहां मौका दे दो आप उनको, ठीक है, वो भैया अपनी पारी खेल के जाते हैं और दिखाते हैं कि भाई अगर आप मेरे पे इन्वेस्ट करोगे तो फिर आप मेरे से 10 साल रिटर्न ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत उम्र है, ठीक है, आप 10 साल जो है क्रिकेट की सेवा कर सकते हैं और बड़े फॉर्मेट के अंदर तो सरफराज खान ना ज्यादा एक अच्छे प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो टीम इंडिया के लिए कहीं पर नजर आ रहे हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं ऋषभ पंत की, दूसरे हीरो की, उन्होंने भी हीरोइक्स दिखाए मगर एक रन से चूक गए, एक रन से, ठीक है। ऋषभ पंत के स्टैट्स दिखाइए जी स्क्रीन पर किस तरीके के, ठीक है, बेंगलुरु में ऋषभ पंत ने जो है 99 के स्कोर पर जो है ऋषभ पंत आउट हो गए और 7वीं बार जो है नर्वस 90s का वो शिकार बने हैं ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में 36 टेस्ट मैच में 7 बार, सिर्फ 36 टेस्ट मैच खेले हैं और 7 बार शतक बनाने से चूक गए, मतलब नर्वस 90s में आउट हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि 62 पारियों में 6 टेस्ट शतक हैं, अगर वो 7 बार ना चूके होते तो अभी डबल फिगर में हो जाते उनके ये सेंचुरीज। धोनी ने 144 पारियों में 6 शतक लगाए थे, जिनको आप बहुत हाईली रेट करते हो और वो थे भी बढ़िया, मगर ये कि ऋषभ पंत अलग लेवल का खिलाड़ी है। 90s में जब वो आए तो उन्होंने छक्का लगाया जो 107 मीटर का छक्का गया, उसके बाद जो है 99 पर वो जो है आउट हो गए। अनफॉर्चुनेट है कि 99 पर आउट हो गए। देखिए, टीम इंडिया पहला लक्ष्य तो यही होता है किसी भी खिलाड़ी का या टीम का कि भी अपनी टीम जीते,
मगर ये होता है कि भाई अगर आप एक रन से शतक से चूक जाओ ना तो दुख तो बड़ा होता है, बहुत दुख होता है। मतलब उनको शतक तो क्या, शतक जो है। देश के इतने करोड़ों क्रिकेट फैंस हैं उनको बड़ा दुख हुआ होगा। मैं खुद भी मतलब बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि इतना अच्छा खेलने के बाद अगर वो ट्रिपल फिगर्स में आप नहीं जाते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है, सिर्फ मात्र एक रन से। मतलब उससे ठीक पहले जब उन्होंने 92 से 98 पहुंचने के लिए जो टिम साउदी को 107 मीटर का छक्का लगाया था स्लॉग स्वीप करके, तो ऐसा लग रहा था कि आज भाई बहुत बड़ी पारी ऋषभ पंत की ओर से देखने को हमें मिल रही है। लेकिन एक घटिया गेंद और उस पर प्ले डाउन कहीं ना कहीं उन्होंने कर दिया और मैच वहीं से फिसला भी। जब से ऋषभ पंत आउट हुए तभी से मैच फिसलना शुरू हो गया, मतलब वही एक क्रूशियल पॉइंट था इस मैच का। और लेकिन फिर भी ऋषभ पंत और टेस्ट क्रिकेट, जितना मैं बार बार कहता हूँ कि इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी, वो बने ही उस फॉर्मेट के लिए। आप इतने बड़ा मैच विनर आपको टेस्ट क्रिकेट में दोबारा नहीं मिलेगा, तो विकेट कीपर बल्लेबाज, हाँ मतलब जितना यूज इनका हो सके, जितना इनको खिलाया जा सके, जितना इनका फायदा उठाया जा सके, क्योंकि टचवुड अभी तक इनका वो खराब पैच आया ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और अच्छी बात भी, देखो दिलेरी है, आपने ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करने नहीं आए, ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग कर रहे, चलो चल आप बेशक प्रिकॉशनरी मैयर के लिए कर रहे हो, हाँ। मगर टीम की जरूरत के लिए आप बल्लेबाजी करने आए, आपका घुटना 100% नहीं है और ऑलमोस्ट सेंचुरी बना दिया आपने, मतलब कमाल है, ठीक है, इस बहुत बड़ी बात है। और जहां से हम धोनी से कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन दो एरा का भी नहीं होता है, मगर फिर भी धोनी ने 144 पारियों में 6 शतक लगाए थे। 144 पारी अगर ऋषभ पंत खेल जाएंगे तो शतकों की संख्या क्या होगी और उनका इंपैक्ट क्या होगा, उसमें से कितनी सेंचुरियां ओवरसीज होंगी जो कि धोनी की एक भी नहीं है। एग्जैक्टली, ये चीज जो है ये बड़ी कमाल की है। चलिए जी, ऋषभ पंत के ऊपर ना एक स्टैट और है बड़ी बड़ी सही, कि टेस्ट क्रिकेट में 99 पर जो है ना आउट होने वाले भारतीयों की लिस्ट दिखाते हैं 99 पर टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। ये जी, ये फोटोग्राफ्स के साथ आपके साथ आ गई हैं जी। सौरव गांगुली 2 बार, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, मुरली विजय और ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत का नाम इस लिस्ट में जुड़ गया कि वो टेस्ट क्रिकेट में 99 पर आउट हुए, मगर ये 99 का जो मतलब दोष लगा, जो भी कह लो आप इसको, मगर उसके बावजूद एक चीज़ तो तय हो गई कि भाई विदाउट ऋषभ पंत ना ये आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है इसमें स्पार्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो बात ही नहीं है सही में। KL राहुल भी, मतलब KL राहुल इज मतलब फिर तो एक KL राहुल ही रह गए ना, मगर आपको चाहिए वो KL राहुल भी ऑन द डे कभी स्पार्क होता है कभी नहीं होता, मगर ऋषभ पंत का तो अंदाज ही वही है। मतलब डिफेंड कैसे करेंगे KL राहुल को बार बार, मैं तो बस यही सोचना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब है उस चीज का कि आप इतना बड़ा आपका नाम है, इतना बड़ा आपने सब कुछ कमा लिया है, बट उसके साथ अभी भी ना वो जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रही है, वही बाबर आजम टाइप हिसाब किताब ज्यादा के, मतलब वही बड़ी है कि कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े बात होती है किसी के नाम को लेके, बट हाँ। उम्मीद के हिसाब से परफॉर्मेंसेज आ नहीं पा रही है ना KL राहुल की ना बाबर आजम की, और बाबर आजम के साथ जो हुआ वो अगर KL राहुल के साथ होता है तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी, टीम से ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि जो दूसरे मतलब वही वाली बात हो गई ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो ये थोड़ा सीन है। जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, पैरेलली आपके साथ, जैसे आप खराब प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं सरफराज ने सेंचुरी कर दी, तो टीम मैनेजमेंट आपको कब तक टीम में बिठा के रखेगा, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा टीम से। बिल्कुल जी, ये चीज जो है वो मुश्किल जरूर नजर आ रही है, मगर चलो जी एक वेदर अपडेट जो है ना, मौसम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम पे बहुत ज्यादा चीजें निर्भर करती हैं। संडे के दिन जो है मौसम जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ परसिपिटेशन हैज इंक्रीज्ड 80%। 80% का मतलब है बारिश जरूर होगी, और ढंग से होगी, और ढंग से होगी, ठीक है, ये चीज है। और 3 घंटे की बारिश जो है पूरे दिन भर में बताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर टीम इंडिया का टेस्ट मैच ड्रॉ करा ले जाना, या फिर वो जीतने की प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत आ जाना, न्यूजीलैंड के चांसेस कम हो जाना, ये जरूर हो जाएगा। तो बारिश के भरोसे जो है वो टीम इंडिया नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है जी। अब बारिश ही हमारा सहारा है, चलो वो तो क्रिकेट के खेल में, टेस्ट क्रिकेट में बारिश का बड़ा अहम रोल रहता है, और 80% बारिश जो बताई गई है, तो कम से कम बारिश अगर ढंग से हो, थोड़ा दिन बर्बाद हो जाए, 12-1 बजे तक बारिश होती रहे, तो फिर कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच से कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। और अब ड्रॉ ही जीत है, बिल्कुल जी, अब ड्रॉ जो है ना वो ही एक तरीके से आपकी जीत है, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो अब यही नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ से एक अच्छा खेलने वाली टीम को जीतना चाहिए, ये रोहित शर्मा भी मानते होंगे, गौतम गंभीर भी मानते होंगे, और अच्छा न्यूजीलैंड ने खेला है, अच्छा न्यूजीलैंड ने खेला है, मगर बात ये है कि आपको WTC में फाइनल में जगह बना ली, आपको पॉइंट टेबल चाहिए, तो दुआएं यही होंगी कि ठीक है न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला है, मगर हमको जो है WTC के फाइनल के लिए वो पॉइंट चाहिए, कम सही चाहिए, अगर हारे तो कटेंगे, ठीक है, मिलेंगे नहीं कटेंगे, थोड़े से मिल जाए कोई बात नहीं,
अगर कटे नहीं, ठीक है, ये चोर की लंगोटी है। हाँ, मतलब जो मिल जाए वही सही। तो अब ये जो है बारिश इंद्र देवता के भरोसे जो है वो मामला जो यहाँ पर नजर आ रहा है, 3 घंटे की बारिश बताई जा रही है। थोड़ा सा अगर मैं और इसमें देखूं कि भाई ये मॉर्निंग में बारिश है या इवनिंग में अगर पता लग जाए तो मैं आपको वो अपडेट भी यहाँ पर थोड़ा सा कर दूंगा। देखिए जी भाई, मॉर्निंग के अंदर थोड़े से मोस्टली क्लाउडी है, ठीक है, और मॉर्निंग में जो है 55% चांस है, आफ्टरनून में चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वही टेस्ट मैच का टाइम है और चौथे दिन का खेल भी जो है वो जल्दी ख़त्म हो गया बिकॉज बैड लाइट भी थी और बारिश भी थी। बहुत ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है मगर उसके बावजूद बारिश जो है ना वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का खेल बिगाड़ सकती है और टीम इंडिया को वो पासिंग नंबर जो है जो उन्हें चाहिए इस टेस्ट मैच से, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दिला सकती है। ये सारी खबरें, सारी अपडेट्स जो है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और आयुष को दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय।